इस शुक्रवार को एक फिल्म रिलीज हो रही है 332 मुंबई टू इंडिया, जिसने रिलीज से पहले ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को चौकन्ना कर दिया है। तो हमने इस फिल्म के प्रोड्यूसर संगीत सिवन और डायरेक्टर महेश पांडे को आज स्टूडियो में बुलाया। आइए इनसे जानते हैं कि क्यों ये पॉलिटिकल पार्टी, राज ठाकरे की पॉलिटिकल पार्टी, क्यों इस फिल्म में इतनी दिलचस्पी ले रही है। संगीत जी, वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। महेश जी, यू वेलकम। थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताइए, ये पॉलिटिकल बात कैसे बन गई? व्हाई इज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सो एक्साइटेड और सो curious to know what your film has? Yeah, because the point is this boy, this Rahul Raj, basically had come down with the intention of killing Raj Thackeray. That is what it was publicized and everyone knows about it. So they would like to know why a film is made on someone who has come to kill him and is he the hero of the film. But kya waqai mein Rahul Raj hero hai is film ki? No, it is not. It's one of the stories. Mm-hmm. It is one episode in a 5 other stories. यानी अलग अलग कहानियां हैं इस फिल्म में। यस यस, इट इज हाउ वन इंसिडेंट इज हैज अफेक्टेड 5 अदर स्टोरीज दैट रिवॉल्व अराउंड इट। सो देयर आर 5 स्टोरीज हैपनिंग साइमल्टेनियसली अलोंग विद द हाईजैक ड्रामा। ओके, एंड हाउ दिस अफेक्ट्स दीज 5। ओके, सो दैट इज व्हाई दैट्स ऑल द फिल्म इज ऑल अबाउट। सो आई रियली वुड डोंट नो व्हाई, बिकॉज देयर आर नो पॉलिटिकल इंप्लिकेशंस एट ऑल। वी हैव ट्राइड टू कीप पॉलिटिक्स आउट ऑफ दिस पिक्चर। इट्स अ ह्यूमन स्टोरी, दैट्स व्हाट attracted me to it, and I thought it is a story worth saying in today's times. Mm-hmm. Because you see, when the Britishers mm-hmm. Wanted to rule over our country, what mm-hmm. they did was they used religion to separate us. Mm-hmm. Today, what is happening is religion is slowly going out, and it is the rise of regionalism, okay. Where a regional issue is, you know, put in, and suddenly I become a Keralite first. Rather than anything else. Rather than an Indian. Indian, yeah. So basically I thought this is the right time to put across the message that we are Indians first and then whatever we are. So that's why it is 332, which relates to the number of the bus and Mumbai to India. Because this particular problem of the bus hijack is the problem of regionalism that has happened in Bombay and how in that, Mumbai Bombay yeah, bolenge to aapko pakad lenge. Actually that too is true, because you know today it's all Mumbai, so from Mumbai, which started in Mumbai, and how its implications are felt throughout India. आपने जैसे कहा कि रीजनलिज्म आ गई है, लेकिन रीजनलिज्म नहीं है आप लोगों के दिमाग में। इससे बेहतर एग्जांपल क्या हो सकता है कि आप केरला के हैं, आपके डायरेक्टर यूपी के हैं, एंड द मेन एक्टर हु प्लेज राहुल राज इज अ महाराष्ट्रियन प्लेइंग अ बिहारी बॉय। आई थिंक इट कांट गेट एनी बेटर देन दैट। महेश जी, आप मुझे बताइए, आप तो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आप लोगों को बुलाया एंड ये बताया कि हम ये फिल्म देखना चाहते हैं, आप पर क्या बीती, आपको कैसा लगा? पहले उनका कॉल आया हमें, हम राजगढ़ गए, संगीत जी और मैं राजगढ़ गए दादर में, और तब तक एक मन में डर सा था कि मतलब पता नहीं क्यों, पहली बार हम उस सीढ़ियां चढ़ रहे थे, जीवन में कभी सोचा नहीं था कि उस सीढ़ियां चढ़ेंगे हम, और क्योंकि हमें कभी लगा नहीं इस चीज का कि कभी कॉल आएगा हमको वहां से, क्योंकि हमने एक कॉमन आदमी की कहानी कहने की कोशिश की थी। खैर, जब हम वहां पे पहुंचे तो एक डर था हमारे मन में, लेकिन जब हम उनसे मिले, अमय जी से मुलाकात हुई जब हमारी उस कैबिन के अंदर। अमय जी कौन है? अमय खूबकर जो है फिल्म डिपार्टमेंट के जो एमएनएस की जो शाखा एमएनएस की जो वो है फिल्म सेल के प्रेसिडेंट है। तो उनसे जब मुलाकात हुई तो उनके भी दिमाग में कुछ जो एक कंफ्यूजन थी या उनका जो कंसर्न था कि इस फिल्म को लेकर, जो हमने उनसे बयान किया, उन्हें समझाया कि ना तो इसमें हमने कहीं राज ठाकरे जी का नाम लिया है और ना ही कहीं यहां पर इस फिल्म में कहीं भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कोई उल्लेख है फिल्म के अंदर, ये कहानी आम आदमी की है। तो वो उस बात को समझ गए बहुत अच्छी तरह से कि ऐसी बात है। फिर भी उन्होंने कहा सेफ्टी साइड पे आप हमें फिल्म दिखा दीजिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमसे बात की तो संगीत जी और हमने वापस लौटते ही ये बात का फैसला कर लिया कि चलिए हम फिल्म दिखा देते हैं। बिकॉज एक बाहर की दुनिया में हम जब बात करते हैं सुनते हैं तो एक एमएनएस की अलग छवि बनती है, और जब हम वहां पर गए तो हमें लगा रही ये तो नॉर्मली इस तरह से नॉर्मली बात कर रहे हैं, ऐसे कोई मतलब कोई धमकाया नहीं, कोई कुछ नहीं। तो हमने उनसे वक्त मांगा कि गिव अस सम टाइम, क्योंकि प्रिंट अभी बन रही है, क्योंकि सेंसर के कट्स के बाद प्रिंट हम आपको वैसे नहीं दिखा, यानी सेंसर्स में कट्स ऑफर हुए जी। तो वो
उसका हमें टाइम चाहिए थोड़ा सा, तो उन्होंने बोला ठीक है आप रख लीजिए अपने हिसाब से, टाइम नहीं। अब यहाँ पे प्रिंट बनने का प्रोसेस शुरू होता है और हमें फोन आना शुरू होता है, एमएनएस के ही एक बहुत ही बड़ी पोस्ट से हैं वो, मिस्टर वाघी सारस्वत, वो फोन करते हैं और वो पहले बोलते हैं फिल्म कब दिखा रहे हो, और जब मैं ये कहता हूं उनसे कि मैं फिल्म दिखा रहा हूं आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, तो वो गाली गलौज पे आ जाते हैं। अच्छा, उन्हें ये लगता है कि हम बेसिकली हम टाइम लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उनको ऐसे मोमेंट पे दिखाएं जब अगर वो कुछ कट करना भी चाहे तो हम नहीं कट करने की स्थिति में ना हो। तो वाकई में क्या आपके दिमाग में ऐसी बात थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि हमें ऐसा कुछ नहीं था कि प्रिंट चल रही है, लैब सबको पता है इंडस्ट्री में, वो लोग भी इंडस्ट्री के अंदर, उनको भी अपने आप पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगता है एक सेंसर कट के बाद एक नई कॉपी निकालने में। और तो उन्होंने फिर गाली गलौज देनी शुरू कर दी, फिर धमकी देनी शुरू कर दी कि तुम पिक्चर रिलीज करके दिखाओ मुंबई के अंदर। ही सेड कि जिस थिएटर का शीशा सबसे सस्ता होगा वही सिनेमा हॉल वाला आपको सेंटर देगा फिल्म लगाने के लिए। अच्छा, बाकी लोग आपकी फिल्म ही नहीं चलाएंगे? हाँ, मतलब जिसका सस्ता शीशा होगा, मतलब उनका इंटेंशन बड़ा क्लियर था मिस्टर सारस्वत का कि हम सिनेमा हॉल तोड़ेंगे और हम हमारे बिना एनओसी के आपकी फिल्म रिलीज नहीं हो सकती।